मुरादाबाद महानगर महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष बनने के बाद अंजू लोचप को बधाई देने का तांता लगातार जारी है। इसी क्रम में आज शहर में एक कार रैली निकाली गई, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्षद और महापौर भी शामिल हुए। सबसे पहले लाइन पार में महिला मोर्चा के महानगर कार्यालय का उद्घाटन किया गया, तत्पश्चात कार रैली निकाली गई। कार्यालय में सभी ने अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें कहा कि भाजपा महिला मोर्चा को भारतीय जनता पार्टी द्वारा निर्णय लेकर सही जिम्मेदारी दी गई है, वह वाकई सराहनीय है। इसी के साथ सभी ने जगह जगह पर फूल मालाओं के साथ कार रैली का स्वागत किया और सभी को बधाई दी। अंत में अंजू लोचप ने सभी का आभार व्यक्त किया और कहा कि जो भरोसा मुझ पर जताया गया है, मैं उस पर खरी उतरूंगी और पार्टी के लिए कार्य करती रहूंगी। भारत वर्ष की आबादी में नहीं, दुनिया की आबादी में 50% महिलाओं की हिस्सेदारी है। आज मेरी बहन मुरादाबाद महानगर में भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष बनी है, इसलिए हम सब प्रसन्नता है। सभी हम भारतीय जनता पार्टी के पुरस्कार करता अपनी बहन कार्यकर्ता का उत्साह वर्धन करने के लिए आए। भारतीय जनता पार्टी को सारी महिलाओं में काम करते हुए अंजू लोचप और आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। देख रहे हैं आप सब बहनें बहुत खुश हैं कि सब हमारी बहनों का इच्छा थी शुरू से कि सब जो भी पुरुष लोग आते हैं बनवाते हैं धूमधाम बनाते हैं, तो हम बहनों का भी अधिकार है। तो आज दिखाना चाहते हैं महिला सशक्तिकरण के रूप में, आज हम रैली निकालेंगे। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी भाजपा की सरकार में हमारी महिलाएं अपने जो इतना सुरक्षित महसूस कर रही हैं मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में, हम यही जाहिर करना चाहते हैं, पूरे शहर को दिखाना चाहते हैं। एक महिला मोर्चा हम सब महिलाओं के साथ खड़ा दिखाई देगा आपको हर जगह। जो भी हमारी निर्बल सबल महिलाएं हैं उनको हम ये आशा करते हैं कि जो महिलाएं एक मुकाम पर पहुँच गई हैं, कुछ भी उनके पास शक्ति है, चाहे वो शिक्षक के रूप में चाहे डॉक्टर के रूप में, हर महिला की हम मदद करना चाहेंगे और हमेशा तैयार रहेगा हमारा महिला मोर्चा। 2019 का भी चुनाव है, उसके लिए क्या प्रयास रहेगा महिला मोर्चा? 2019 के लिए जैसे आप सब जानते हैं कि हमारी आबादी 50% है और इस एक महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका ये निभाएगी चुनाव में, आगामी चुनाव में। और हर महिला ने ये संकल्प लिया है कि मोदी जी को लाना है, उनसे ही देश हमारा, हमारे बच्चों का भविष्य उन्हीं के हाथों में सुरक्षित है। तो हम सब ये बहनें पूरी कोशिश करेंगी कि हम मोदी जी को दोबारा लाएं, इतने कमल खिलाएं पूरे देश में कि देखिएगा हम पूर्ण बहुमत से आएंगे। संगठन के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे आगे? तो अभी हमें अभी महिला मोर्चा की अभी जिला की टीम, मंडल की टीम का